तो फाइनली अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं ये रॉयल एनफील्ड कैफे। ये गोवा का मतलब कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ गैरेज कैफे है, एनफील्ड कैफे। तो अमेजिंग है इसकी एम्बियंस, और ये अपना टेरेस से कुछ ऐसा दिखता है। इट्स लुकिंग ग्रेट। एंड अभी हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया और अभी इसके बाद आधा घंटा और रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे। खूबसूरत बारिश का मजा लेते हैं क्योंकि गोवा की बारिश बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस टाइम मानसून भी है तो, बट रश तो पीक टाइम है वो दिख रहा है अभी भी। सो लेट्स देखते हैं अभी एक खूबसूरत रूम को कलम छोड़ के जाएंगे। तो आज का प्लान हमारा बीचेस घूमेंगे एंड शाम को क्लबिंग करेंगे। दैट्स इट फॉर द टुडे वन। फाइनली अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं ये रॉयल एनफील्ड कैफे। ये गोवा का मतलब कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ गैरेज कैफे है अपना रॉयल एनफील्ड का, बहुत फेमस है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं हम। जस्ट लुक एट दिस बाइक्स, लुक एट दिस। अभी अंदर आकर दिखाता हूँ आपको द ब्यूटीफुल रॉयल एनफील्ड गैरेज। तो ये है रॉयल एनफील्ड का मशहूर कैफे और ये है रॉयल एनफील्ड की हैंडबुक यानी मेन्यू। और ये अपना क्या कहते हैं उसको, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा कैफ़े है रॉयल एनफील्ड का जो ओन करता है रॉयल एनफील्ड। और राइट नाउ इस टाइम तो 10 बज चुके हैं वैसे ऑलमोस्ट। और ये अपनी आई है कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी इज़ लुकिंग गुड, गुड, वेरी गुड। तो ये टाइम अब देखने को मिल गया। एंड स्पेशली मैंने मंगाया है इसके साथ ये बर्गर, मतलब इसमें इतना ज़्यादा मेल्ट करके चीज़ दे रखा है, आई डोंट नो कि इतना मेल्ट चीज़ मेरे से खाया जाए इसको, मतलब है। तो राइट नाउ अभी हम हैं रॉयल एनफील्ड कैफे में, मतलब आपने अभी तक देख ही लिया होगा। तो इस ब्यूटीफुल रॉयल एनफील्ड कैफे, तो अमेजिंग है इसकी एम्बियंस। और ये अपना टेरेस से कुछ ऐसा दिखता है। इट्स लुकिंग ग्रेट। अभी हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया और अभी इसके बाद आधा घंटा और रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे सीधा आरामोल बीच और वहाँ जाएंगे टेरी बीच। सो दैट्स आवर प्लान फॉर टुडे। शाम को देखेंगे शाम को क्या करना। सो दैट्स द प्लान, देखते हैं अभी क्या करना है। अभी तो ये दो बीचेस का प्लान है, शाम को देखेंगे शाम को कौन सी जगह पे अपना हमने डेरा डालना है। अभी तक तो गोवा में मज़ा आ रहा है, थोड़ा मेरे टाइप का नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अल्कोहलिक एंड नॉन वेजिटेरियन, सो दैट्स व्हाई। बट अरेस्ट कर रहे हैं किसी तरह। It's right now 9:00 in the night and we done nothing. Actually हम यहाँ पे आके सो गए, बाहर मार्केट जाने के बाद रॉयल एनफील्ड कैफे के बजाय में उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। एंड राइट नाउ इट्स 9:00, तो वी डोंट नो कि अब क्या करना है क्या नहीं। अभी एक क्लब का ही ऑप्शन बचा, उसके अलावा कुछ नहीं क्योंकि सारे बीचेस ऑलमोस्ट फुल और रश ही थे। तो हमने सोचा कि वापस आके सोते हैं। तो रस शाम को थोड़ा सा मैगी वगैरह कॉफ़ी वगैरह बनाया था एंड आफ्टर दैट नथिंग, सो गए थे 5-6 घंटा सोए ऑलमोस्ट। तो अब क्लब चलते हैं और अब नाइट लाइफ दिखाते हैं क्योंकि मॉर्निंग से लेकर अभी तक कुछ ही नहीं बना, कुछ भी हमने कंटेंट शूट नहीं किया। तो अब बनते हुए कंटेंट शूट करें मस्त साहब 2-3 घंटे का, देखते हैं क्या जितना शूट बन सकता है करेंगे, नहीं तो कल साउथ गोवा फुल टू एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि नॉर्थ में ऐसा कुछ यूनिक दिखाने वाला नहीं है। दैट्स इट, चलो चलते हैं, अब तैयार होकर। सो राइट नाउ इज 9:05 इन द क्या बोलते हैं उसको नाइट। तो अभी हम अब जाके निकले हम पार्टी के लिए, ऑलमोस्ट 5-6 घंटा हो गया अंदर सोए तो नाउ अब हम निकलते हैं सीधा पार्टी के लिए। सो आवर डेस्टिनी इज 17 किलोमीटर फ्रॉम हियर। दैट्स इट ना ब्रो, सो लेट्स गो।
इक्वल टू तैयारी। तो आई थिंक सो फार फुल टू बार तो अंधेरा है, तो अभी तो प्लानिंग अमरी चल रही है। तो कोई हमजा रेस्टोरेंट है, हमजा पता नहीं क्या, हरीजा कुछ ऐसे हरीज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जा रहे हैं हम अपना पार्टी के लिए। तो आज का जो क्लबिंग है वहाँ पे चलेगा, कल का जो थलासा था वो तो जबरदस्त था। तो हाँ सर कहते हैं उससे बहुत एक लेवल ऊपर, तो देखते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार हो गया, बट ज़्यादा कुछ मन नहीं है करने का, फीलिंग लेजी बहुत ज़्यादा आज हुआ, मैं फील हो रहा कि अंदर पड़े रहे और सो जाए, बट नाउ थोड़ा तो निकलना ही पड़ेगा। सो 17 किलोमीटर फ्रॉम है, सो फार सो गुड। Right now is top 30 in the night, और अभी तक हम पैदल चल रहे हैं। जो पार्टी का सीन था आई थिंक सो हयाती में वेरी बैड, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो हम वहाँ से वापस आ गए। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू पैदल पैदल, ये अपना कहीं तो अपन जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, पर मुझे नहीं पता क्या लेने के लिए जा रहे हैं। शायद वो सामने गोहा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अपन जा रहे हैं। बस अभी सिर्फ गाड़ी में बैठे हुए हैं, एंड फ्रॉम लास्ट 1 आवर टोटली बोरिंग, कुछ भी करने को नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अभी देखते हैं। अभी खाना तो है, भूख बहुत जोर की लगी है, डिनर तो करना ही करना है, तो देखते हैं। जोमेटो से कुछ ऑर्डर होगा तो खाएंगे, नहीं तो मैगी पड़ी हुई है अपने रूम में, तो मैगी खा के सो जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, 8 से 10 बजे हम निकलेंगे यहाँ से साउथ गोवा के लिए। सो दैट्स फॉर टुमारो प्लान, मतलब अगले 2 दिन हम साउथ गोवा में, मतलब ये 2 दिन वेस्टेज निकला। पहला दिन भी अच्छा था क्योंकि हम वहाँ से मुंबई से एक हुआ है, बट सेकंड डे इज टोटली वेस्टेज बिकॉज हम कहीं कुछ नहीं कर पाए। दिन को बारिश, रात को पब में गए एंट्री की, बट वेस्टेज पब, क्योंकि वहाँ पे EDM म्यूजिक बजता है जो हमारे को बिल्कुल सूट नहीं करता। सो अभी जाते हैं अपन वापस रूम में, एंड थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और सो जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में अगर जिंदा रहा, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में मिलूंगा। बाय बाय। 'Cause I know.